दादाजी, वो मुझे शाहजेब भाई जी के बेबी को देखने हॉस्पिटल जाना था, मैं चली जाऊं? अरे ठीक है, चली जाओ। मैं रियान से कह देता हूँ, तुम्हारे साथ चला जाएगा। अब रियान भाई तो घर पर ही नहीं है दादाजी, मैं बाद के साथ चली जाती हूँ। तुम अकेले जाओगी? कोई जरूरत नहीं है। मैं कह देता हूँ, ये बात को साथ हो लेगा। हाँ, कोई अर्ज नहीं है। नहीं अब्बा जी, आपने पहले भी इसको इबाद के साथ भेज दिया था अकेले। नौकरों पे इतना भरोसा करना ठीक नहीं होता है। मैं जाऊंगी इसके साथ। हाँ ओ जी, आप भी साथ जाएंगे? नहीं जाऊंगी, क्यों, कोई एतराज है तुम्हें? नहीं आप चलें साथ, कोई मसला नहीं है। मैं बात को कह देता हूँ, साथ चला चलेगा। बेटे, फूफो भी साथ होंगी तो अच्छा रहेगा। जी दादाजी। क्या बात है, बड़ी खामोश हो। कुछ नहीं पप्पू जी, बस ऐसे ही। घर में तो इतना बोलती हो और आप कोई बात ही नहीं कर रही। वो ना पप्पू जी, पता है मेरी एक दोस्त है, मुझसे नाराज हो गई है, बात ही नहीं कर रही मुझसे। कब हाँ तो जाओ जाके उसको मनाओ, उसको इल्हाम थोड़ी हुआ है। से उसे मनाने की कोशिश कर रही हूँ फिर भी नहीं मान रही। आपको पता है मैं सारा वक्त उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। जब तक वो मुझसे बात नहीं करेगी ना, मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। उसकी बेरुखी ने मुझे अंदर से मार दिया। क्या कर रहे हो ये बात? देख के गाड़ी चलाओ ना।